हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ शाही टुकड़ा, जो बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो हम पहले जो है वो ब्रेड्स को कट आउट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल स्क्वायर शेप में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे ब्रेड्स को हम कट आउट करके रख सकते हैं। आप सीजर से भी कर सकते हैं इस तरह से, देखिए। तो आपको जो इजी पड़ेगा आप उस तरह से करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे देखिए, मैं देसी घी है वो ऐड कर रही हूँ। आप नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको थोड़ा सा गर्म कीजिए पहले। घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें ये पीसेस डाल दूंगी और इसको हमें फ्राई करना है। देखिए, आप ब्रेड कितने भी ले सकते हैं आपके हिसाब से। मैं फाइनली आपको बताऊंगी कि मैंने कितना लिया था। तो देखिए, इस तरह से आप इसको फिर टर्न कर सकते हैं। आपको जितना चाहिए डार्क आप उतना कर सकते हैं। आपको थोड़ा और डार्क चाहिए तो आप थोड़ा और ब्राउन कीजिए। इस तरह से सारे ब्रेड को मैं फ्राई करके रख देती हूँ। तो देखिए, सारे ब्रेड्स को मैंने इस तरह से फ्राई कर दिया है। तो अभी यहाँ पे देखिए, मुझे शुगर सिरप बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे 2 कप मैंने पानी लिया है। अब इसमें मैं 1 कप शक्कर ऐड कर रही हूँ, शुगर। क्योंकि ये मेरे काफ़ी ब्रेड्स मैं बना रही हूँ, इसलिए ये 10 स्लाइसेस के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप कम बना रहे हो तो फिर क्वांटिटीज़ की कम कर देना। यहाँ पे थोड़े से मैं सैफ्रोन के जो ये आते हैं वो डाल रही हूँ, मतलब जो केसर आता है वो डाल रही हूँ। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। अगर है तो फिर ज़रूर डालिए। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से फिर हमको चाशनी इसकी बनानी है। तो शुगर सिरप है वो साइड में बॉईल हो रही है। अब नेक्स्ट जो बनाना है वो हमको रबड़ी बनाएंगे उसके लिए। तो शाही टुकड़े के लिए जो रबड़ी बनाएंगे तो वो मैं बहुत ही इजी और आपको क्विक वे में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं, पूरा कंटिन्यू आप देखते रहिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं उसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या ऐड करूंगी। तो आप देखते रहना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले यहाँ पे 1 कप मैं यहाँ पे मिल्क ऐड कर रही हूँ। गैस ऑफ है अभी। मैंने एक और 1 कप लिया है क्योंकि जो मेरा ब्रेड है वो ज़्यादा है इसके लिए। तो 2 कप मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करना है आपको मिल्क पाउडर। तो कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर आप ऐड कीजिए। तो 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है इसमें। अब यहाँ पे ऐड करना है शुगर। तो शुगर ऐड करूँगी मैं 2 टेबल स्पून। आप चेक कर लेना, आपको जितना चाहिए बाद में फिर ऐड कर सकते हो। और इसमें मैं थोड़ा सा, मतलब 2 चम्मच मैंने शुगर ऐड किया है तो 2 चम्मच मैं मिल्क मैड ऐड करती हूँ। आपके पास मिल्क मैड अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट इससे अच्छा टेस्ट आता है। तो अब सारी चीज़ों को पहले हमको ऐसे ही मिक्स करके लेना है। ये बहुत ही इजी वाला मैं बता रही हूँ आपको, वरना नॉर्मली होता है कि दूध को पकाना होता है बहुत, फिर गाढ़ा होता है वो, फिर उसके बाद फिर वो तैयार हो जाती है उसकी रबड़ी। तो ये बहुत ही इजी और क्विक है और मिल्क भी इसमें इतना नहीं लगेगा। अब क्या करना है, अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। ये जो विस्कर है उसकी मदद से आप इसे तरह से स्टर कर सकते हैं, इसे लम्स नहीं पड़ेंगे। तो ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस मिक्स होने तक। शुगर मिल्क मैड आपके हिसाब से कम ज़्यादा आप कीजिए। अब बारी आ रही है यहाँ पे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, ओके।
तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स। यस, तो ब्रेड क्रम्स है 2 टेबल स्पून। इससे क्या होगा, ये हमारा जो रबड़ी है ये थिक हो जाएगी। तो अब इसको कंटिन्यू स्टर करके हमको थोड़ी देर तक इसे कुक करना है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा ब्रेड क्रम्स और लगेगा तो आप ऐसे देख लीजिए कि आपको कितना लगता है, उस हिसाब से आप फिर इसमें कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें और 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है, मतलब टोटल हो गया है 3 टेबल स्पून। वैसे भी सारे जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ हमेशा उसका मेजरमेंट जितना भी होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मेंशन करती हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए इसे कुक होकर 5 मिनट हो गए हैं, तो इस तरह से थिक हो जाती है। तो बस आप ये थिक हो जाने के बाद इसको ऑफ कर देना। तो देखिए पहले मैंने 5 मिनट बॉईल किया है, बाद में किया है 5 से 10 मिनट कर लीजिए आप, तो टोटल आप 10 मिनट में ये बना लेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया है, अब इसको ऑफ करके हम साइड में रख देते हैं। शाही टुकड़ा है अभी हमको ये बनाना है, मतलब इसको असेंबल करना है सारी चीज़ों को। तो उसके लिए जो मैंने ये ब्रेड टोस्ट करके रखा था उसको ये चाशनी में पहले इस तरह से डीप करना है आगे पीछे। ठीक है, और उसके बाद आपको इस तरह से, मैंने ये ट्रे लिया है, आप जो भी चाहिए आप जिसमें भी आप असेंबल करना चाहते हैं तो इस तरह से रखिए। तो इस तरह से देखिए सारे इसको अलट पलट कर कर इस तरह से अच्छे से सोक कर लीजिए। अच्छा, और चाशनी जो है, जो शुगर सिरप है वो थोड़ी सी वार्म होना चाहिए। ओके, तो इसको वार्म होना चाहिए, इवन जो रबड़ी बनाया है वो भी हल्की सी वार्म होना चाहिए, एकदम ठंडा ठंडा आप मत यूज़ कीजिए और एकदम गर्म भी मत यूज़ कीजिए। तो इस तरह से सारी चीज़ों को इस तरह से मैं अभी पहले सोक करके इस तरह से लेयरिंग लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह से ये अरेंज कर दिया मैंने, अब इसके ऊपर जो है बनाया मैंने वो रबड़ी इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए। सारे ब्रेड अच्छे से सोक हो जाना चाहिए इसमें। अब इस पे थोड़े से मैं काजू और बादाम कटे हुए ये डाल देती हूँ बीच बीच में से, और फिर ऊपर से भी मैं गार्निश करती हूँ थोड़े। अब इसके सेकेंड बैच इसका लगेगा, तो सेम वैसे ही कीजिए, कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए आप, पहले सोक कीजिए सिरप में। अच्छा, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि शुगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे कीजिए, बट ये है कि शुगर भी थोड़ा सा, ये सिरप भी मीठा होता है, फिर रबड़ी के अंदर भी मैंने ऑलरेडी मिल्क मेड और शुगर ऐड किया है, तो उस हिसाब से कीजिए, एकदम मीठा भी फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो आप जैसे खाते हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देना। देखिए मैंने इसको सेकेंड बैच भी इस तरह से लगा दिया है, सेम चीज़ इसमें भी करेंगे, जो हमने बनाया है वो इस तरह से स्प्रेड कीजिए। मेरे इस तरह से 3 बैच बनेंगे, एक और बैच बाकी है, तो इस तरह से मैं इसको भी बनाकर रख देती हूँ। तो इस तरह से सारे मेरे लेयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं लास्ट में इसमें क्या करती हूँ, जो सिरप बचा हुआ रहता है ना उसको भी थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये आप ज़रूर ट्राई करना इस तरह से। तो बस इस तरह से 1-2 चम्मच मैंने इस तरह से डाल दिए सिरप के भी। तो देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है, इसको अभी मुझे फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए, तो ये 1-2 घंटे में सेट हो जाएगा और फिर हम इसे खा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।